प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप तो सब जानते हैं सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्लास हमारी है यूकेजी। बच्चों, मैंने आपको कैपिटल लेटर्स करवा दिए थे, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। ओके, तो लो फ्रेंड, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। कैपिटल लेटर्स मैं आपको करवा देती हूँ एक बार रिवाइज। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl, H for hen, I for ice cream, J for jump, K for kite, L for lion, M for monkey, N for नेक्स्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पिकॉक, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रेड, एस फॉर सन, T for duck, U for umbrella, V for pen, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht, Z for zebra, okay? ये मैंने आपको रिवाइज करवाया है ताकि आपको एक बार याद आ जाए, ठीक है? मेरे साथ रिपीट करेंगे। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rat, S for sun, T for tub, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yard, Z for zebra. Okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
छोटी एबीसीडी, इज दैट क्लियर? बड़ी से एबीसीडी आपको याद हो गई, अब छोटी एबीसीडी करवाते हैं आपको। स्मॉल लेटर्स करवाते हैं हम आपको, कैसे लिखते हैं इनको आप देखेंगे। स्मॉल लेटर हम आपको करवाएंगे, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे आप लोग, ओके? ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो बच्चों स्मॉल लेटर्स इस तरह से लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ रिपीट करेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ओके? तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए फॉर एप्पल, चलो रिपीट करते हैं वापस। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl, H for hen,
आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पिकॉक, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रैट, एस फॉर सन, टी फॉर टब, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समस ट्री, वाई फॉर यार, जेड फॉर जेब्रा। तो बच्चों ये हमारे हुए स्मॉल लेटर्स। तो मैंने आपको पहचान करवाई स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स की। अब इन दोनों को कैसे मिला के लिखा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, इनमें लिखने में क्या डिफरेंस है। आप लोग एक साथ लिखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स कैसे लिखी जाती हैं। इज दैट क्लियर? रेडी? स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स दोनों अपन साथ में लिखते हैं, आपको इनका डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, ए कैपिटल लेटर्स का ए, ठीक है, ये है स्मॉल लेटर का ए। तो साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि छोटी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी कैसे लिखी जाती है। इज दैट क्लियर? बड़ी एबीसीडी का ए है और ये छोटी एबीसीडी का ए है। ए फॉर एप्पल, बी ये कैपिटल लेटर का बी है और ये स्मॉल लेटर का लिखते हैं। बी फॉर बॉल। तो बच्चों साथ साथ लिखने से आपको पता चल जाएगा छोटी एबीसीडी कैसे लिखते हैं और बड़ी एबीसीडी कैसे लिखते हैं, ठीक है। सी, सी फॉर कैट, ये कैपिटल लेटर है स्मॉल लेटर, ओके। डी, डी फॉर डॉग। ए बी सी डी, ओके। नेक्स्ट है ई, एन,
बच्चों समझ में आ रहा है ना, बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी में क्या डिफरेंस है लिखने का? ओ पी क्यू करना है। थैंक यू।